तो दीदी के यहाँ एक गुड न्यूज आई है, दीदी के यहाँ एक प्यारी है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग गैडा फैमिली ब्लॉग। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, हैप्पी नवरात्रि बोल दो मम्मी। मम्मी ने सुनाई नहीं, मम्मी हैप्पी नवरात्रि बोल दो, बोला मैंने। हमारा तो बर्तन नहीं होता, कल परसों से नहीं होता, शाम नहीं होता। अभी जो की पावर आई है ड्यूटी से, थोड़ा थोड़ा बोल दो। हम बच्चे भी कह रहे, थोड़ा हम भी खाएंगे। जो जी कह रहे, मेरे को तो कटोरी में खाऊंगी, वो थाली में नहीं खाती। मम्मी मेरी झोली भात लेके आई है, मैं नहीं खा रही थी, मैं तो पहले ही आ गई थी, एक घंटा हो गया मेरे को आए हुए। बट मैं घर आके चावल कभी खाती हूँ, ये पवन खा रहे थे यहाँ पे, बच्चे भी उनके संग खाने लग गए। तो मम्मी ने कहा तू भी खा ले थोड़ा, तो मैंने कहा खा लेती हूँ, क्योंकि मूली की झोली बनाई है मम्मी ने आज। बाकी आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी आप सभी की जिंदगी में, जिन आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और हमारे ऊपर भी बना रहे। तो हमारी तो नवरात्रि नहीं होगी बिकॉज ऑफ सूतक, क्योंकि हमारी फैमिली में ही किसी की डेथ हुई थी, तो आज 11वां दिन है, कल को पीपल पानी है, तो हो नहीं सकती। फिर उसके बाद से मैं भी नहीं होगी हमारी नवरात्रि इस बार। तो मैंने जिसकी आपको बताया था, घर पे कुताई भी चल रही है, तो आज तो काम नहीं लगा, कल से काम स्टार्ट होगा। बाकी आज हमारा पेंटिंग का सामान आ जाएगा, टाइल्स देखते हैं आज लाते हैं या कल लाते हैं, क्योंकि सुबह ईंट वगैरह सब आएंगी तो रखने की जगह नीचे कम हो जाएगी, तो इसलिए मे भी कल को लेके आएंगे। जब भी लाएंगे मतलब बताऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, ये देखिए कैसी कॉपी खुली, पापा वहाँ पे खाना खाने लगे। पापा इनके आज लेट आए हैं, 3 o'clock पे आए हैं आज पापा इनके, सॉरी 3:30 पे आए हैं, 3:30 हो गया, हाँ 3:30 हो गया। तो ये अपने पापा के संग खाना खाने लग गए और बोले मम्मा आप हमको वॉक दे दो। इनकी आज छुट्टी थी अग्रसेन जयंती की, आज अग्रसेन जयंती थी तो नित्या काशी की छुट्टी थी, हमारी तो नहीं थी बट इनकी छुट्टी थी। तो बाकी अभी इनको पढ़ाती हूँ इसके बाद, और फिर जाते हैं पेंट लेने, फिर करते हैं थोड़ा सामान मम्मी के रूम को पैक, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। हाय प्रवीण गेड़ा जी, नहीं खा रही तो इधर आ जाओ होमवर्क करने। हेलो, तो आई है दीदी और शुभी। तो दीदी के यहाँ एक गुड न्यूज आई है, दीदी के यहाँ एक प्यारी एक बिल्ली आई थी, जंगली बिल्ली, तो उसने बच्चे दे रखे हैं, काफी दिनों से थी वो, 1 महीने से रह रही थी। तो अभी उसने बच्चे दे रखे हैं, तो कितने बच्चे हुए दीदी उसके? उसके हुए थे 6 और 2 बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो गए उसके, अभी 4 बच्चे हैं उसके। और ये देखिए बच्चे, वीडियो दे देना मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे आई है शुभी अपनी बहनों से मिलने। शुभी थोड़ा अपसेट है क्योंकि दीदी का बेटा गया हुआ है NCC के कैंप में, तो इसलिए शुभी अपना थोड़ा हैप्पी होने अपनी बहनों से मिलने आई है, हैप्पी होने। तो कैसा लग रहा है आपको अपने भाई के बिना? बहुत बुरा लग रहा है उसको, क्योंकि वो पहली बार अपने भाई से दूर रह रही है। तो दीदी के बेटे का अभी चल रहा है स्कूल में NCC कैंप, तो वो कैंप के लिए गया हुआ है। तो बाकी दीदी बड़ी खुश है, दीदी के यहाँ बहुत सारे बच्चे हुए हैं, लेकिन मिठाई लेके नहीं आई है हमारे लिए, बगैर मिठाई क्या आ गई, मिठाई लानी थी ना, गलत बात, नामकरण का निमंत्रण देने आई, देखिए गलत बात है ना, मिठाई लानी चाहिए थी ना, बेबी जो है यहाँ से रसगुल्ले गुलाब जामुन लाने थे ना बुआ ने, हाँ ऐसे ऐसे करके। अब मम दीदी बोल रही है बिल्ली का नामकरण करूंगी, फिर नामकरण का निमंत्रण में आना। बाकी हम लोग सब बैठे हुए हैं, तो इन लोग को करने देते हैं एंजॉय, और हम जाते हैं थोड़ा पेंट लेने, पेंट लेने जाना है पेंट की दुकान में। गया फेवरेट काम, आ
इसको रिपेयर कराना जरूरी है, इस टाइम पे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। दीदी जाने लग गई हैं, हम ले जाते हैं सिनी को रिपेयर करा के लाते हैं, उसके बाद जाएंगे पेंट की शॉप में। बाकी बाय दीदी, प्रणाम भाभी, कैसे हो? ठीक हाँ यार भाभी, बाय शुभी, बाय दीदी, चलो हो चुका है अभी डिनर। और अभी आप देख सकते हैं सिनी भी सही होके आ गई है। इसमें यहाँ पे के नट बोर्ड सब टूट गए थे इस साइड के, तो ये नट बोर्ड लगाए, तो ये लेके आ गए थे हम। उसके बाद पेंट भी लेके आ गए हैं, आधा सामान आ गया है, आधा और बचा है जो कल को आएगा। बाकी कल से काम प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, और कल की मैंने लीव भी ले ली है क्योंकि अर्जेंट था, बहुत ज़्यादा वर्क था तो अर्जेंट ही था। तो अभी क्योंकि कल बैंक भी जाना है, घर के भी काम कराने हैं, टाइल्स भी लाने हैं, बहुत कुछ काम है, तो इसलिए मैंने कल की लीव ले ली। और अभी करते हैं रूम को थोड़ा खाली। बाकी मार्केट में जाके मैं बिल्कुल नहीं बना पाई, पेंट की शॉप पे वहाँ व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, एक तो टाइम भी नहीं हुआ, ऐसे हो गया। तो अभी कर देते हैं ये रूम को, करती हूँ खाली। तो एप्पल की पेटियाँ शानदार यहाँ पे देखिए, हमारे वहाँ सप्लाई होने लग गई है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। अच्छे से करो, अच्छे से करो, शानदारों के लिए चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए। बर्तन वर्तन मत देखो, बस रख दो इसको, अलग से रख दो। ये देखिए इनका, गौर से देखिए, ये गुजिया का सामान भी निकल गया है। तो काशी चलो बेटा, नहीं अभी नहीं, चलो चलो। और यहाँ पे इस प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त होते हुए, लो बेटा जाओ। मंदिर वाले रूम में, और यहाँ पे एक और आतंक का सामना आते हुए, वो देखे बच्चे फेंको फेंको हैं, ये क्या है खोपड़ी में, ये देखो छोड़ दे, हो गया हो गया, धूल लगी है उसमें। नेता काशी बचपन में इसी में घुमा करते थे, अब बड़े हो गए। अरे सब कर रहे वीडियो के, साफ सफाई एक तरफ, बर्थडे की सामग्री मिलते हुए यहाँ। हाँ वो निकालना है, ये फटेगा फटेगा इसको। अरे काशी उठा, पाँव उठा, ये देख साफ कर दिया, अरे खराब, ले जा वहीं, ले जा जा वहां मत जा, हाँ जा 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 जा, तुम बर्थडे बनाओ जा लो। और यहाँ पे खतरनाक देखिए, जानवर का शिकार करते हुए, मम्मी को अचार डालने, 5 लीटर का डब्बा नहीं है, 8 लीटर का डब्बा नहीं है। ये पुरातत्व विभाग को मिलेगा ना आज से 8,000 वर्ष बाद, तो फिर ये हाँ यकीन है। अच्छा कुनियो उस टाइम डालते, कहने का मतलब ये है बर्थडे। अरे वो सामान तो वो रखने दे काशी, ऐसे मत निकाल यार भाई, ये मत निकाल तो, ये हमारा। अरे तुम्हारा ही है यार, हमारा नहीं है। लेकिन ये कहाँ ले जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में रहा है। कौन सी बर्थडे पार्टी, रात हो कल स्कूल जाना है। बस हो गया, अभी बनाओ बर्थडे काशी, अब नहीं मक्कर, नितिया मक्कर, नितिया मत करिए, खाली सामान ज्यादा हो जाएगा, मत कर। तो अभी मैंने अपना रूम और मम्मी का रूम हम लोगों ने खाली कर दिया है, रूम नहीं मतलब स्लिप्स खाली कर दी हैं, और अलमीरा के अंदर खाली कर दिया है। तो अब सोच रही हूँ व्लॉग को एंड कर देती हूँ, आज व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास दिखाया नहीं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, स्कूल से आने के बाद ही कभी इधर उधर बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था, तो गाइस यार व्लॉग में कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। और थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ब्लॉग को जितना है उतना एंड कर देती हूँ, अभी एडिटिंग करनी है और सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो ये हिस्सा भी सब खाली कर दिया है, और अलमारी के अंदर कर दिया था मैंने पहले ही, मम्मी लोग का भी रूम खाली कर दिया है, तो कल से काम है, और कल की मैंने छुट्टी भी ले रखी है,
तो चलिए गाइस मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक ले गुड नाइट, गुड बाय। ओके अच्छा बोलो 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 फिर बोलो। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर।